वेलकम स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, अभी हम इस सेशन में आगे वाले न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन रीडिंग से पहले। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, आफ्टर व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी एट 45 डिग्री एंगल फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। तो हमको क्या पूछा है, एक टावर है, टावर से बॉल को थ्रो किया या पार्टिकल को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, इसके बाद वो इस तरीके से जाएगा यहां पर। तो उसने पूछा है कि यहां पर जब पहुंचेगा, यहां पर पहुंचने के बाद एट व्हाट टाइम, कितने टाइम के बाद द नेट वेलोसिटी, यहां पर जो टोटल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, विल बी एट एन एंगल ऑफ, ये जो वेलोसिटी ऐसी है ये वेलोसिटी 45 डिग्री पे होगी हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी इनिशियल, देखो फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन के साथ। तो ये क्वेश्चन है, हम इसको डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं। ओके, तो बच्चों मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं कैसा रहेगा इसका। ओके, टावर से बॉल को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, एट व्हाट टाइम, कितने समय के बाद यहां पर वेलोसिटी विल मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहां पर मेरा होगा वी एक्स और यहां पर होगा वी वाई। आपको पता है कि डायग्राम देखो बच्चों, यहां टावर दिया हुआ है, टावर से बॉल को फेंका हमने, इस पॉइंट पर जब वो पार्टिकल आ चुका है तो इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 45 डिग्री बना रही है, इतना हमको गिवन है। अब इसमें आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, तो बच्चों हमने जो सॉल्यूशन सॉल्व किया, क्या किया हमने, पहले मुझे vx is equal to ux, मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट होती है, तो ux is equal to vx, ये हमने लिख दिया 20 मीटर पर सेकंड जो दिया था। इसके बाद v is equal to u plus at, ये मेरे पास काइनेमेटिकल इक्वेशन है, v is equal to u plus at, इसको y डायरेक्शन के लिए लगाया, तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन मुझे निकालनी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है नहीं क्योंकि बॉल को x डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है, एक्सेलरेशन इन दिस y डायरेक्शन इज प्लस जी, और यहां से यहां तक जाने के लिए लगने वाला टाइम जो है डायग्राम के हिसाब से, वो लगने वाला टाइम है टी। टी पुट किया, मुझे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन मिल गई। नाउ यहां पर देखो, आप यहां पर क्या दिखेगा, यहां दिख रहा है कि ये एंगल मेरा 45 डिग्री है, तो टेन 45 इज वाई बाय एक्स, तो वी वाई बाय वी एक्स लगाया, टेन 45 इज इक्वल टू, तो मुझे यहां से क्या मिला, टेन 45 वन होता है, वी वाई की वैल्यू पुट की 10t/10, तो मुझे फाइनली टाइम इक्वल टू 1 सेकंड मिला। तो ये हो गया मेरा इस क्वेश्चन का आंसर, वो ये है। ओके, क्वेश्चन पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या है बच्चों, क्वेश्चन में दिया है एन एरोप्लेन इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ 2000 मीटर, 2000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन से 2000 मीटर ऊपर से वो उड़ रहा है। ओके, ये देखो 2000 मीटर पे उड़ रहा है, द एरोप्लेन व्हेन एट अ पॉइंट पी, जब वो पी पॉइंट पे आया, तो पी पॉइंट पे आने पर क्या किया, ड्रॉप्स अ बॉम्ब टू अ टारगेट। ठीक है, ड्रॉप्स अ बॉम्ब टू हिट अ स्टेशनरी टारगेट, स्टेशनरी टारगेट क्यू को हिट करने के लिए उसने एक बॉम्ब ड्रॉप किया ऑन ग्राउंड, इन ऑर्डर दैट द बॉम्ब हिट्स द टारगेट, बॉम्ब ने टारगेट को हिट करना चाहिए, तो व्हाट एंगल थीटा मस्ट बी द लाइन पी क्यू, ये लाइन पी क्यू ने कौन सा एंगल बनाना चाहिए विद द वर्टिकल, लाइन पी क्यू ने वर्टिकल, ये देखो यहां पर वर्टिकल है और यहां पर, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा एंगल कौन सा एंगल बनाना चाहिए वर्टिकल के साथ। ठीक है, ये हमको बताना है कि बॉम्ब यहां से जो 100 मीटर पर सेकंड से फेंका है वो बराबर यहां पर स्ट्राइक हो जाए। ओके, तो ये थीटा निकालना, मतलब हमको ये थीटा मिल जाएगा, ये थीटा भी है, ये भी थीटा। ओके, तो हम प्रॉब्लम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो ये प्रॉब्लम है हमारा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया यहां पर। देखो पी पॉइंट, यहां से इस तरह से ट्रायंगल दिया, मुझे ये थीटा निकालना है, यहां से बॉम्ब ड्रॉप होगा वो इस तरह से गिरेगा यहां पर, यहां पर यू मुझे दिया है 100 मीटर पर सेकंड और ये हाइट दी है 2000 मीटर। ओके, मुझे थीटा निकालना है, बहुत ही सिंपल है, हम क्या करने वाले हैं, देखो हमको हाइट दी हुई है तो पहले हम हाइट का इक्वेशन लगाएंगे। ओके, कैसे लगाएंगे हाइट का इक्वेशन, देखो हम देखते हैं। ओके, तो बच्चों अभी हमने क्या किया, हमको हाइट दी हुई थी, हमने उस हाइट पैरामीटर को इस्तेमाल किया, कहां पर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये इक्वेशन लगा y डायरेक्शन के लिए, इसमें क्या किया, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन मेरा 2000 है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका है, प्लस हाफ
एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन 10 दिया हुआ है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मुझे 10 लेना है, और यहां पर टी स्क्वायर। अब यहां इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे टी इक्वल टू 20 सेकंड मिल जाएगा। मिलने के बाद मैंने क्या किया, अब टाइम मुझे पता चल गया कि बॉल को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए इतना हाइट कवर करने के लिए 20 सेकंड लग गया। 20 सेकंड लगने के बाद मैंने एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सेम फॉर्मूला लगाया एक्स के लिए। क्यों लगाया, देखो क्या होगा, इससे लगाने के बाद मुझे एस एक्स डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन 2000 मीटर मिलेगा। कैसे, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 100 मीटर पर सेकंड, उतना टाइम यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम मुझे 20 सेकंड लग रहा है। टी एक्स इक्वल टू टी वाई सेम पॉइंट तक पहुंचने के लिए हाफ। एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में है नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन कांस्टेंट, प्रोजेक्शन कांस्टेंट होती है। वैल्यू पुट करके मैंने 2000 मीटर जो आंसर निकाल लिया, तो अब मुझे ये 2000 मिल गया और ये 2000 मिल गया है। ओके, ये 2000 ये 2000, तो ये थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री, टेन इनवर्स ऑफ अपोजिट बाय एडजेसेंट 45 डिग्री, तो ये भी थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो मुझे मोस्ट करेक्ट आंसर यहां से मिल गया 45 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह इसका सॉल्यूशन है। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग बच्चों। अभी अगला प्रॉब्लम देखते हैं, ये प्रॉब्लम सिमिलर है प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा। कैसे, इसमें क्या दिया है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1960 मीटर। ओके, 1960 किलोमीटर का, 1960 मीटर का हाइट है इसका। ओके, 1960 मीटर का हाइट है विद अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर अबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर उड़ रहा है टुवर्ड पॉइंट डायरेक्टली ओवर अ पर्सन स्ट्रगलिंग इन फ्लड वाटर। तो ये क्या कर रहा है, देखो प्लेन आ रहा है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और कितने ऊपर है, इसकी हाइट है 1960 दी हुई है, ये आ रहा है। अब इसको क्या करना है, पानी में, बाढ़ में, देखो फ्लड वाटर में आदमी डूब रहा है, ठीक है, उसकी तरफ ही आ रहा है। सपोज यहां आदमी डूब रहा है, ये प्लेन ऐसे आ रहा है। ओके, अब देखो क्या दिया है, एट वॉट एंगल ऑफ साइट विद द वर्टिकल शुड पायलट रिलीज अ सर्वाइवल किट इफ इट इज टू रीच द पर्सन इन द वॉटर। मतलब पायलट बैठा हुआ है, वो नीचे देखेगा ऐसा, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई डूबने वाले को देखने की। तो इस लाइन ऑफ साइट में वर्टिकल के साथ वो कितना एंगल बनाएगा, बोला ना यहां पर वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो ये थीटा होगा। अब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं और इसका सॉल्यूशन बना के बताता हूं आपको। तो बच्चों डायग्राम देखो, प्लेन आ रहा है 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और यह आदमी डूब रहा है यहां पर, तो पायलट की लाइन ऑफ साइट ये है और वो एंगल बनाएगी थीटा, तो ये थीटा वर्टिकल के साथ हमको निकालना है और हाइट दी हुई है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यूज इक्वेशन यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, तो देखो हमने क्या किया, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इन Y डायरेक्शन हमने लगाया। इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट इन Y डायरेक्शन कितना है 1960 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी इन Y डायरेक्शन है क्या, नहीं, मेरा फाइटर प्लेन ऐसे आ रहा है। इसके बाद टाइम मल्टीप्लाई करो उसके साथ हाफ, एक्सेलरेशन 9.8, बच्चों याद रखो यहां 9.8 दिया है, यहां पर 9.8 ही सब्स्टिट्यूट करो क्योंकि 9.8 का डबल 196 है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आसानी होगी, और टी स्क्वायर जैसे का वैसा, तो मुझे टाइम मिल जाएगा यहां से यहां पहुंचने का। तो टाइम मुझे मिला सॉल्व किया अंडर 20 सेकंड। इसके बाद अब मुझे टाइम मिल गया यहां से यहां पहुंचने का, जब यहां से यहां वो किट पहुंचेगी तो वर्टिकल का टाइम मिल गया, मतलब हॉरिजॉन्टल का भी टाइम सेम है, टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई। ओके, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में होता है। तो अब यहां पर मैंने क्या किया, टाइम मिल गया प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसे, हम अभी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन के लिए इक्वेशन मैंने लगाया एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन मुझे निकालना है इक्वल टू 600, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 600 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर पर आवर यानी 3600, इनटू टाइम मैंने 20 सेकंड निकाल लिया है, प्लस एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन जीरो है, तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा, यहां लिख दिया मैंने। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मुझे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन मिला 10,000 बाय 3, तो विच इज नथिंग बट मेरा ये डिस्टेंस आर, आर मिल गया मुझे 10,000 बाय 3। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, टेन थीटा। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर सिंपल है, अगर हम इसको इरेज करते देखो यहां पर डायरेक्ट टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट 1960। ओके, ये लगाओ इसको। हाँ, तो बच्चों देखो हमने टेन थीटा में क्या किया, मुझे थीटा चाहिए अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट बाय एडजेसेंट किया,
इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1.66 मिलेगा, विच इज नियरली इक्वल टू 1.7. तो 1.7 है रूट थ्री नियर अबाउट, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट थ्री 60 डिग्री, तुमको एंगल मिल जाएगा. तो ये प्रॉब्लम को इस तरीके से करते हैं. ओके, अभी हम अगले टाइप के प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. ओके, तो बच्चों अभी हम अगला प्रॉब्लम देखते हैं. देखो अगला प्रॉब्लम क्या है. अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विथ कॉन्स्टेंट स्पीड एंड टाइम पीरियड 0.2 पाई सेकंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज. अब क्वेश्चन में से गिवन डाटा प्लॉट करते हैं हम लोग. ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन दिया है मुझे. ओके, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है पार्टिकल का. ठीक है, अब मैं इसको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख के आगे सॉल्व करके दिखाता हूं. ओके, ये देखो इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास, तो आर इंटू 2π/T, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, ये फॉर्मूला है ओमेगा का, और इज इक्वल टू 2πn. एन फ्रीक्वेंसी या आरपीएस भी होता है. तो क्या किया, रेडियस की जगह 0.05 फुट किया, 2π का स्क्वायर किया, 4π² हो गया, और टाइम पीरियड जो है टी की जगह 0.2π पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, और वी गॉट द आंसर 5 m/s. ये आंसर हो गया. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं. तो बच्चों अभी हमारा अगला प्रॉब्लम, द मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 revolution. ओके, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट है बच्चों. ओके, इट कम्स टू रेस्ट इन 15 सेकंड. अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मोटर ऑफ इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी, तो उसके एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 revolution per minute. अब यहां आपको ध्यान देना है बच्चों कि यहां पर एंगुलर वेलोसिटी भले ही लिखा है, लेकिन यहां पर 100 revolution per minute दिया है, RPM. ओके, वो n है, ओमेगा नहीं. ठीक है, यूनिट की तरफ ध्यान देना. और इट कम्स टू रेस्ट मतलब उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2πn दिया हुआ है, एंड इट कम्स टू रेस्ट इन 15 सेकंड, 15 सेकंड में वो रेस्ट पे आ गया. तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, आफ्टर बीइंग शिफ्टेड स्विच्ड ऑफ, उसको स्विच ऑफ कर दिया. नाउ अज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डिसेलरेशन, एंगुलर डिसेलरेशन जो उसका कांस्टेंट है बच्चों, यहां ध्यान दो, एंगुलर डिसेलरेशन है, रिटार्डेशन है, यानी अल्फा मेरा माइनस होगा. ठीक है, अल्फा माइनस होगा यहां पर. व्हाट आर द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय बिफोर इट कम टू रेस्ट, रेस्ट आने से पहले उसने कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट किए. तो अब ये कैसे निकालेंगे हम अभी देखते आगे सॉल्व करेंगे. हाँ, तो बच्चों अभी हमने क्या किया, यहां पर हमको n1 दिया था रिवॉल्यूशन पर मिनट में, हमने क्या किया इसको RPS में, रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट किया, 5/3 RPS डिवाइड बाय 60 किया इसको. n2 मुझे दिया है, रेस्ट पर आया 0, और डिसेलरेशन इसलिए माइनस अल्फा पुट करेंगे, टाइम दिया है 15 सेकंड. तो क्या किया, v इक्वल टू u+at, इसको ये लीनियर इक्वेशन को एंगुलर में कन्वर्ट किया, एंगुलर में कन्वर्ट करके ये हो जाएगा ω2 इज इक्वल टू ω1 + αt. अब अल्फा मेरा माइनस है, यहां पर अल्फा मेरा नेगेटिव है, ये जो अल्फा है ये माइनस है, तो अल्फा को माइनस में पुट किया, पुट करने के बाद ω2 0 था, इससे मैंने अल्फा निकाला, अल्फा मेरा हो जाएगा ω1/T, सारी वैल्यू पुट की, और आपने देखा होगा मैंने पाई कैंसिल आउट नहीं किया, पाई वैसे क्या 10π/45. तो मुझे यहां पर क्या मिला है, यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 10π/45 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये मिल गया है. तो अभी मुझे अल्फा मिल गया है, अब अल्फा के आगे की प्रोसेस क्या है वो अभी हम देखते हैं. देखो क्या करना है हमको, तो बच्चों अभी क्या है, हमने दूसरी बार इक्वेशन लिया v² = u² + 2s, इसको कन्वर्ट किया एंगुलर इक्वेशन में, यानी फाइनल वेलोसिटी की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, और सेम कन्वर्जन किया यहां पर, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पुट किया, और एज यूजुअल मेरा अल्फा रिटार्डेशन है तो माइनस अल्फा, एक्सेलरेशन की जगह माइनस अल्फा पुट किया, ω2 मेरा 0 है तो मुझे थीटा का इक्वेशन मिला, ω1² इधर जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, ω1² / 2α बचेगा. जब यहां पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ओमेगा के, 2π × n मेरा 5/3, 2πn 5/3 था उसका स्क्वायर इंटू 2, और ये अल्फा की वैल्यू 10π/45 पुट किया, यहां मुझे थीटा मिल गया 25π, यहां से पाई हटाने की जरूरत नहीं है. दिस इज पूरा, जब वो स्टार्टिंग से जैसे बटन स्विच, उसका बटन वो जैसे स्विच ऑफ किया तो वो रेस्ट पे आते हुए, यहां से जैसे रेस्ट पे आ रहा है
तो वहां से वहां तक कितने एंगल कवर किया, तो दैट इज टोटल 25 पाई। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कितना होता है, टोटल एंगल कितना कवर किया उसने डिवाइड बाय एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल होता है 2 पाई, तो डिवाइड करने पर मुझे 12.5 रिवॉल्यूशन मिल गया। तो इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम देखा, इसके बाद का न्यूमेरिकल देखते हैं हम अभी। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 5 मीटर। ओके, एक बॉल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस है 5 मीटर। इफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकंड। अब वो सपोज ऐसा घूम रहा है, देखो ऐसा घूम रहा है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी ऐसी है, तो वेलोसिटी इस तरफ, लीनियर वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इस तरफ है, और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड द नेट एक्सेलरेशन, अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर, इस तरफ होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो नेट मतलब क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट वो बीच में रहेगा नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। एंड दैट नेट एक्सेलरेशन इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये टेंजेंशियल, ये सेंट्रीपिटल और ये नेट, तो नेट इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये दिया हुआ है। तो उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी कैसा है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वी स्क्वायर बाय आर फॉर्मूला है, तो वो वी मुझे निकालना है। ओके कैसे, देखो हम यहां से देखते हैं, ये देखो अब ये हमारा डायग्राम बनेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये मेरा नेट एक्सेलरेशन जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है रेडियल एक्सेलरेशन के साथ। तो गिवन डाटा में रेडियस 5 मीटर है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया है, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। और मेरा थीटा इज 30 डिग्री दिया है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वी कैसे मिलेगी, देखो डायग्राम से टेन 30 इज वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल, ठीक है, थीटा जिसको चिपका है वो नीचे आएगा, तो 80 बाय ए आर, मैंने 80 बाय ए आर लिखा, ए आर रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वी स्क्वायर बाय आर, और मुझे ये वेलोसिटी निकालनी है। तो क्या किया मैंने फाइनली, इस फॉर्मूले में से वी सेपरेट किया और सारे टर्म्स नोन टर्म इधर ला लिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो मुझे आंसर मिला 9.3 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम वेलोसिटी निकालते हैं, इसके आगे के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके?